राधे राधे। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। आप सब लोग नहीं चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, देश में शांति हो, हर एक डिपार्टमेंट अच्छे से फंक्शन करे, कार्य करे, हर आदमी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ये आप सब लोग नहीं चाहते हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, मैंने सुबह वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक पर कि देश में जो करीब करीब 60% खाली पड़े हुए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा है। रेलवे की ही एक रिपोर्ट है, जो एक विशेषज्ञ हैं, जो मैंने नाम लिया था उनका, और उन्होंने ही कहा है कि जो इसका रेलवे का रखरखाव है वो ठीक से नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है रखरखाव ठीक से? क्योंकि वहाँ पर मैन पावर की कमी है, मैन पावर पर बहुत दबाव है, तो इसलिए ऐसे हादसे हो रहे हैं। और ये केवल और केवल आपका रेलवे ही नहीं है, मैंने और भी उदाहरण दिए थे, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यही हाल है, वहाँ पर मैन पावर की कमी है। और जो मैन है उन पर जो एक आदमी 50 बंदों का कार्य कर रहा है और उसको इंसिस्ट किया जा रहा है कि वो नौकरी छोड़कर जाए, जिससे वो आप लोगों से धाड़ी पर यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर बॉन्डेड लेबर की तरह काम कराए। और ये दिन आने वाले हैं आप सब लोगों के लिए, ठीक है। और मैंने इस पर भी कहा था कि जो स्टार्टअप लगाओ, अगर सभी चौधरी बन गए तो फिर काम करने वाला कौन होगा, मुझे ये बताइए। सभी अगर चाय बनाने लगे, सभी अगर पकौड़े तलने लगे, तो दुकान पर फिर कौन आएगा? पूरे मार्केट में, पूरे घर में चाय और पकौड़े तले जाएंगे, ठीक है। तो जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा डाउन हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं समझ रहा है जो हमारे यहाँ पर मेन मुद्दा है। एक तो हमारे जो जनसंख्या, उसको कंट्रोल करने का कोई भी उचित या उचित उदाहरण या उचित कार्य कोई नहीं किया जा रहा है। और अगर हमारी जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो क्राइम रेट 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी भी यूथ के पास में कोई काम नहीं है और वो इजी मनी चाहती है। आप देख रहे हैं कितना क्राइम बढ़ चुका है, विशेषकर साइबर क्राइम। और इसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए और हमारे यूथ को आगे आना चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए कोई भी आगे आना नहीं चाहता है। पता नहीं क्या मेरे समझ में नहीं आ रही है कि अच्छा काम करने में क्या दिक्कत है, अच्छी चीज देखने में क्या दिक्कत है, बुरी चीज देखते हैं। और आज मुझे बहुत फील हुआ इस बात का कि मैंने अभी इवनिंग में देखा, मैंने वीडियो देखी अपनी, उस पर 70 व्यू, और एक वीडियो है जो उसमें आ रही थी तो उसका आपत्तिजनक शीर्षक था और उस पर 1-1.5 लाख व्यू। तो आप लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है ये हम देख रहे हैं। आप सब लोगों को रियली बता रहा हूँ, आपका जो चाहिए, बस आपकी जो मानसिकता, आपका जो DNA है वो खराब हो चुका है। आपको केवल और केवल गंदगी पसंद है और आप उस गंदगी में समाते चले जा रहे हैं और इसका फायदा लोग बाग उठा रहे हैं। आपको गंदगी में फंसाकर, आपको लूटकर, आपको सड़कों पर ला देंगे और आपको बॉन्डेड लेबर बनाकर आपसे कार्य करवाएंगे। तो आप सब लोग जागो, इतनी पोस्ट खाली हैं, अगर इनको भर दिया जाए तो आपका उद्धार हो सकता है। अगर अभी भी नहीं जागोगे तो देखते रहिए गंदी वीडियो और अपना भविष्य बनाइए। तो आप सब लोग कम से कम एक बार देखें, एक बार शेयर करें और जल्दी से जल्दी इस आपदा से बाहर निकले, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।